किसान भाइयों, आज मैं चर्चा करूंगा आपसे धान की सीधी बिजाई के बारे में। धान की सीधी बिजाई के तीन मुख्य फायदे हैं। पहली बात, इसमें पानी की करीब 30-35% बचत होती है। दूसरा, जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो रोपाई में करीब 3,000 से 4,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है, वो बच जाता है। और तीसरा फायदा, जो धान की खेती में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसमें भी 30-35% की कमी आती है जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं। तो जब इतनी सारी खूबियां हैं धान की सीधी बिजाई में, तो किसान भाई इसको बहुत बड़े पैमाने पर अपना क्यों नहीं रहे हैं? इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। खेत में इतना खरपतवार भर जाता है कि उसको निकालने के लिए किसान को कम से कम 3,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च करना पड़ता है। रासायनिक दवाओं से खरपतवार का नियंत्रण उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है जो आजकल की प्रचलित रासायनिक दवाएं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा धान की खरपतवार दवाओं के प्रति रोधी क्षमता रखने वाली किस्मों का विकास किया गया है। इसमें जो एक हमारी किस्म है पूसा बासमती 1121, उसका सुधार करके हमने पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1509 का सुधार करके पूसा बासमती 1985 एक नई किस्म विकसित की है। इन दोनों किस्मों के ऊपर एक विशेष खरपतवार नाशी दवा, जिसको हम इमिडाथापिर या परसुट के नाम से जानते हैं, इसका अगर छिड़काव करें तो धान की फसल को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन धान के खेत में जितने खरपतवार होते हैं वो सब के सब मर जाते हैं। इसके चलते धान की सीधी बिजाई में एक नई क्रांति आने वाली है। ये दो किस्में विमोचित हो गई हैं। अगली वर्ष इसका बीज हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आप खेत में देख पा रहे हैं, जब हाथ से निराई गुड़ाई नहीं की गई है, खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग नहीं किया गया है, पूरा खेत खरपतवार से भरा पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक ऐसा खेत जिसमें हम 1121 को लगाए थे और 18 दिन के बाद जब उसके ऊपर हमने दवा का छिड़काव, खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव किया, तो वो धान भी मर गया है और खरपतवार भी मर गया है। उसी के बगल में जो पूसा बासमती 1979 का खेत है, जो 1121 का सुधरा हुआ रूप है, उसमें भी 18 दिन बाद ही खरपतवार नाशी दवा इमिडाथापिर का छिड़काव किया गया था। आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल नुकसान फसल को नहीं हुआ है और फसल के अंदर खरपतवार बिल्कुल साफ हो गए हैं, खेत बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है। इससे हमारे पानी की बचत और श्रम की बचत और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और एक नई क्रांति का काम करेगा। धन्यवाद।